तो ये अंकल जी हमारे पुराने लैंडलॉर्ड, तो हमारे जब रोल लगे चाची से मिलने, तो हमने सोचा कि उनसे मिल लेते हैं। ये हमारे पुराने भैया हैं सब्जी वाले, यहाँ से हम सब्जी लेते थे कोरोना के टाइम में। हाँ, तो मंडावली की गाय मंडावली की गाय। यहाँ पे जो चाची जी बना रही है गर्मा गर्म पराठे और हम खा रहे हैं बैठ के। तो आज आपको लिए चलते हैं वैसे विनोदनगर की गलियों में, जहाँ जो है हमारा 3-4 साल हमने बिताए हैं यहाँ पे। कोविड से पहले जब कोविड नहीं था उस टाइम पे हम लोग जो है वैसे विनोदनगर में ही रहते थे, और समय जब छोटी थी तो उसको लेके जो है इन्हीं गलियों में घूमा करते थे। यहाँ पे जो बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क बने हैं, समय को लेके यहाँ पे आया करते थे, और बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं पुरानी जगह से। तो जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो 2-3 महीने के बाद हम लोग जो है उत्तराखंड शिफ्ट हो गए थे। तो जब 2-3 महीने कोविड था तो उस टाइम पे हम लोग यहीं पे थे, तो उस टाइम की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं गलियों के देख के, क्योंकि इसी इन्हीं गलियों में हम लोग जो है सब्जी वगैरह लेने के लिए आते थे कोविड के टाइम, मास्क वगैरह पहन के, पूरा प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के, और इन्हीं सुनसान गली में हम लोग जो है घुमा करते थे। तो देख के पुराने दिन याद आ जाते ना। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे और देखते हैं आज हमें कौन कौन मिलता है यहाँ पे। अरे भाई साहब कैसे हो, भूल तो नहीं गए? ये हमारे पुराने भैया हैं सब्जी वाले, यहाँ से हम सब्जी लेते थे कोरोना के टाइम में भैया। हाँ, कोविड टाइम में भैया। तो हमें मिल गए हैं सब्जी वाले भैया, जो कि उस टाइम पे भी हुआ करते थे यहीं पे, और कोरोना के टाइम पे जो है भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की सबकी, यहीं पे जो है सब्जी लगा के भैया खड़े रहते थे। तो अच्छा लगा भैया से मिलके। अंकल जी हमारे पुराने लैंडलॉर्ड, तो हमारे जब रोल लगा चाची से मिलने, तो हमने सोचा कि उनसे मिल लेते हैं। तो एक से हमारी बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग है अभी भी। लोग अंकल जी हमेशा याद करते हैं, तो हम जब भी आते हैं यहाँ पे, मैं अभी तुम फर्स्ट टाइम आए हैं सबसे, तो साल हो गए यहाँ पे। तो आप 8 साल पहले तो आए थे यहाँ पे। हाँ, तो मतलब कब चले गए थे? 19 में चले गए थे। हाँ, 20 मार्च में चले गए थे ना कोरोना में गाँव। तो उसके बाद तो फिर वहाँ से रोड जाना पड़ेगा स्कूल के चक्कर में, ये था बस। और अब हम आ गए हैं मंडावली की गलियों में, जहाँ पे जो है हम लोग सब्जी लिया करते थे डेली शाम को आके, मतलब डेली नहीं वीक में एक बार आके यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह लगी रहती थी, और समटाइम जो यहाँ पे बाजार भी लगता था, शायद संडे को मार्केट लगता था। अभी जो है टाइम सुबह का है, तो अभी जो है शॉप वगैरह सारी बंद है, तो हमने सोचा चलो आज यहाँ पे भी घूमा जाए। तो थोड़ा बहुत घूम रहे हैं और इसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि हम लोग जो है अभी जस्ट गए थे संजय झील, इसका व्लॉग जो है मैंने चैनल में डाल दिया, तो आप जाके देख सकते हैं। नहीं कुछ लेने हैं भाई, बड़े बड़े। हाँ, मैं चांदनी चौक में, अभी संडे है चांदनी चौक आया हूँ। मंडावली की गाय मंडावली की गाय। तो अब हम पहुंच चुके हैं चाची जी लोगों के अपार्टमेंट में, उनके अपार्टमेंट का नाम है करिश्मा अपार्टमेंट,
तो ये है बाहर का नज़ारा अपार्टमेंट का। तो अब जो है अंदर चलते हैं और देखते हैं चाची ने हमारे लिए क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में। यमी था कॉपरेट आ जाएगा, कॉपरेट आ जाएगा। यहाँ पे जो चाची जी बना रही है गर्मा गर्म पराठे और हम खा रहे हैं बैठ के। तो ये है गर्मा गर्म पराठे विद, अब आप बताएं ये क्या हो सकता है। ये है, ये क्या हो सकता है, ये है ये क्या हो सकता है जो मैं पी रहा हूँ। तो जो कमेंट में सही बताएगा उसको 1 kg फ्री मिलेगा मैंगो शेक। मैंगो शेक मम्मी खिलाएगी सीधे, मम्मी तोड़ के देगी। ठीक है आपको आप खाना ऐसे करते हैं। हाँ जी सोमे के पराठे का जो है अभी ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि मैं हरी मिर्च और सोमे नहीं खाती है। और फिर देखना पड़ेगा मिर्ची का है। और सोमे का हो गया ब्रेकफास्ट स्टार्ट। सोमे जल्दी ब्रेकफास्ट करो ठीक है। तेरे भातुले तेरे भागी ओ जी दो पिता।
कौन सा गाना है ये? भक्ता बाला भक्ता भक्ता भक्ता। बस फिनिश फिनिश कर दो फिनिश। सोमे का जो है शुरू हो चुका है और ये देखिए